नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। पति पत्नी के विवाद के बाद सेना के जवान पति ने खुदकुशी कर ली है। यह घटना बेरिया थाना के भिंडी हरवा गांव की है, जहां शुक्रवार की रात करीब 11 बजे भीम यादव के सेना के जवान पुत्र हरे राम यादव ने आत्महत्या कर ली। मृतक सैनिक के परिवार वालों ने बताया कि शुक्रवार की रात किसी बात को लेकर पति पत्नी में नोकझोंक हो रही थी। इसके बाद परिवार वालों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। इसके बाद हरे राम ने खाना खाकर एक रूम में चले गए। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी पूनम आई तो खिड़की से देखा कि हरे राम घर के पंखे से लटका हुआ है। यह देखकर उसने चिल्लाना शुरू किया। घर के लोग दौड़कर आए और कमरे का दरवाजा तोड़कर हरे राम को पंखे से उतारा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और हरे राम भगवान को प्यारे हो चुके थे। इसके बाद परिवार वालों ने स्थानीय थाने को फोन किया, जिसके बाद थाना अध्यक्ष परिणय कुमार, एएसआई मुकेश कुमार, एएसआई राजेंद्र राम और कई लोग उपस्थित हुए। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि मृतक जवान हरे राम चार भाइयों में सबसे छोटे थे। हरे राम यादव के पिता भीम यादव ने बताया कि वर्ष 2019 में उनके पुत्र की नौकरी भारतीय सेना में लगी थी, जो मेरठ में कार्यरत थे, जो इसी वर्ष 2 मई को पहाड़पुर थाने के निरपुरा गांव निवासी पलटन यादव की पुत्री पूनम कुमारी से उनकी शादी हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि हरे राम यादव का थाना क्षेत्र के बाउआ रामपुरा गांव में एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। नौकरी लगने से पहले यह प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन परिवार वालों को यह मंजूर नहीं था। जब हरे राम यादव की नौकरी लगी तो 3 साल बाद हरे राम यादव की शादी उनके परिजनों ने दूसरी जगह कर दी, जिसके चलते हरे राम ने यह कदम उठाया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हरे राम जी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे, साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। बाकी दोस्तों, सेना से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।